स्वागत है आप सबका कुक विद प्रभा में। एज ऑलवेज, जैसा कि आप सभी को पता है, मोस्टली मैं मैगी पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, नई नई वीडियोस मैगी के लेके आती हूँ आपके पास, क्योंकि बच्चों को भी मैगी काफ़ी पसंद होता है। तो अगर आपके घर पर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी बना करके उनको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये है मैगी मोमोज, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलिए हम करते हैं ये बेहद स्वादिष्ट मैगी मोमोज बनाना स्टार्ट। तो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा मैदा, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक। इसमें ज्यादा चीजें नहीं ऐड करनी है। नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से। नमक मिक्स करने के बाद हम लेंगे पानी, और हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। मोमोज का जो डो होता है वो सख्त नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो मोमोज है वो अच्छा नहीं बनता है। तो हम इसका डो लगाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट डो, इस तरीके एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। तो फाइनली हमारा जो डो था वो थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट बन चुका है, बिल्कुल इस तरीके है कि हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल इस तरीके, और इसको हम किसी चीज़ से ढक के रखेंगे। लेकिन उसके पहले हम ऑयल को अच्छे से इस पे चारों तरफ इस तरीके अच्छे से लगा लेंगे ऐसे। अभी हमने ऑयल को इसमें मिक्स नहीं किया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से इस तरीके ऊपर ऊपर से हमने स्प्रेड कर दिया है ऑयल। तो अभी हम इसको रखेंगे और किसी चीज़ से, किसी बर्तन से हम इसको ढकेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं इसको एक प्लेट से ढक रही हूँ, लगभग 15 मिनट तक हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगी गैस ऑन, और इस पे मैं रखूँगी कोई सा भी एक बर्तन, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी रिफाइन ऑयल। ये मैगी का पानी भी उबलने लगा है, तो अब मैं इसमें डालूँगी मैगी ऐसे। अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब इतना कि मैगी अच्छे से भीग जाए ताकि ये अच्छे से उबल सके। तो मैगी को हम थोड़ा अच्छे से उबलने देंगे सबसे पहले तो, और अभी हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे, और जैसे नॉर्मली हम मैगी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैगी जो है वो बिल्कुल उबल चुका है, पक चुका है अच्छे से। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, लेकिन तब तक हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। सबसे पहले 2 पैकेट, तो मैंने इसमें मैगी डाल लिया है मैगी मसाला। अब मैगी मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे, किसी भी चम्मच या करछी की मदद आप ले सकते हैं चलाने के लिए। तो नमक हम इसमें डालेंगे बट बहुत कम, बिकॉज हमने डो में भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है ऑलरेडी। तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और ये अभी पक चुका है, बस थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे अच्छे से, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो हमारा जो मैगी है, मतलब मोमोज का स्टफिंग, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम फ्लेम को कर लेंगे ऑफ। तो यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर लिया है, हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। लेकिन इसके ठंडा होने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़े चिल्ली फ्लेक्स, और अच्छे से मिक्स करेंगे चिल्ली फ्लेक्स को मैगी में, बिल्कुल ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने चिली फ्लेक्स मिक्स कर लिया है, अभी इसमें से बहुत धुआं आ रहा है। 2 मिनट इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो अभी हमारा डो भी सेट हो चुका है, लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए ये कैसा लग रहा है, और ये जो साइड साइड में ऑयल है इसमें अच्छे से हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे बिल्कुल ऐसे, और फिर ऐसे हम इसको निकालेंगे और अच्छे से
इस तरीके इसको थोड़ा सा चिकना करेंगे, इस तरीके सरफेस पे रख करके इसको हम थोड़ा सा चिकना करेंगे। दोस्तों ये डो आप देख सकते हैं किस तरीके का है, बिल्कुल इस तरीके का आपके मोमोज का डो होना चाहिए। और अभी ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो चुका है, इसको सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा सरफेस पे इस तरीके रब करूंगी अच्छे से, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है, बिल्कुल चिकना चिकना और सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का डो होना चाहिए मोमोज के लिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा लंबा करूंगी ऐसे, और ऐसे छोटी छोटी लोइयां बनाऊंगी। जितना बड़ा आपको मोमोज का पीस रखना है उस अकॉर्डिंग आप लोइयां बनाएं। मैं बिल्कुल इस साइज के लोइयां तोड़ रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने सारी लोइयां बना ली हैं बिल्कुल ऐसी। अभी हम सबको रख देंगे बाउल में जिसमें हमने डो बनाया था, और इसको हम ढक देंगे प्लेट से ताकि इस पर बिल्कुल भी हवा लगने के कारण ये रूखे ना हो। अभी मैं यहाँ पे एक लोई रखूंगी और ऐसे बेलन की मदद से इसको बेल लूंगी। दोस्तों ध्यान रखें कि इसमें आपको सूखा आटा डस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी सूखा आटा बिल्कुल डस्ट करने की कोशिश ना करें। ऐसे भी ये बन जाते हैं और ऐसे ही ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो हाथों पर ऐसे लेंगे हम इसको, और हमारी जो स्टफिंग थी वो भी ठंडी हो चुकी है अभी। अभी हम इसमें स्टफिंग डाल लेंगे, चाहे तो हाथों से या चम्मच से, दोनों ही ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे भी आप इसमें स्टफिंग बिल्कुल इस तरीके फिल कर लीजिए। इसके कॉर्नर्स हम ऐसे पकड़ेंगे, तो आप जो भी शेप देना चाहें मोमोज को वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमने ऐसे सील किया और इसको थोड़ा सा अंदर करके अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। फिर इसको सील करने के बाद हम इसको ऐसे अंदर की तरफ पुश करेंगे और ये पकड़ेंगे और ऐसे, फिर इन दोनों को हम पकड़ेंगे ऐसे कॉर्नर्स को, और इसको अंदर की तरफ पुश करते हुए हम इसको ऐसे सील करेंगे ऐसे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का हमारा शेप आएगा। ऐसे ही हम बाकी सारे भी बना लेंगे सारे मोमोज। तो ये देखिए दोस्तों मैंने सारे मोमोज को अच्छे से शेप दे दिया है, और आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे शेप्स हैं ये देखिए। तो बिल्कुल ऐसे ही सारे मोमोज को शेप दे देना है। आप जो भी डिज़ाइन पसंद करते हैं वो शेप आप दे सकते हैं मोमोज को। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके के शेप्स दिए हैं मैंने। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप अपना। अभी मैंने यहाँ पे ये बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब एक एक करके ऐसे मैं सारे मोमोज इस पर रखती जाऊँगी। तो मैंने सारे मोमोज रख लिए हैं, अभी हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अभी मैंने एक कढ़ाई में पानी ले लिया है और उस पर मैंने स्टैंड लगा लिया है, और अब मैं इस पर रखूँगी ये स्टैंड पे ये बर्तन हमारा मोमोज वाला। और अभी ऊपर से मैं इसको लिड से ढक लूँगी ऐसे, और अब हम इसको पकने देंगे लगभग 10 मिनट तक। तो अभी लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और मैं चेक कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा जो मोमोज है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अभी मैं इसे निकाल लूंगी एक एक करके सारे मोमोज।
तो दोस्तों फाइनली हमने इसको सर्व भी कर लिया और हमारा मैगी मोमोज बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके जो डिजाइन है वो कितने ज्यादा प्रीटी लग रहे हैं और ये काफी अच्छे से पके भी हैं। ये देखिए इनको बनाना कितना आसान था, मैंने आपको दिखाया ही है और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो कर लीजिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।